मनांग यहाँ से 1.5 घंटा का रास्ता है। ऐसे ब्यूटीफुल लोकेशन में टी इमांग के अंदर 100 रुपीस के रूम रेंट में रूम मिलता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टी इमांग। और होटल के जिस रूम में मैं था उसकी विंडो से ये व्यू आता है, चेक करो भाई। रात को बहुत ठंडा था और कल रात ना मैं रूम नहीं दिखाया था, सो ये रहा रूम जो कि मुझे 100 रुपीस में मिला। मेरा लगेज रेडी हो गया, यहाँ पे जैकेट पड़ा हुआ है, बैग भी रेडी कर दिया। और रूम के अंदर ना बढ़िया वाईफाई का कनेक्शन था, एकदम ठीक ठाक था। जस्ट अटैच बाथरूम नहीं है, बाथरूम पास में ही है लेकिन ठीक ठाक है। ठीक मेरे दरवाजे से निकलते हुए ना सामने का व्यू चेक करो एक बार। आसपास में पूरा ग्लेशियर माउंटेन दिखेगा आपको, ब्यूटीफुल पिक्स दिखाई देता है यहाँ से। होटल के एकदम सामने सीटिंग एरिया है जहाँ पर बैठ के आप एक कप चाय के साथ ये धूप सेक सकते हो और ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी को आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत बढ़िया लगा मुझे यहीं पर, कल रात बहुत अच्छा गया। और बाइकर्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो है बाइक पार्किंग का जगह। सो 2-3 होटल पे मैं ट्राई किया था यहाँ पे जहाँ पर पार्किंग का बहुत ही इशू था, लेकिन फाइनली यहाँ पे ये होटल और वो होटल एक ही है। सो वहाँ पर मेरा बाइक खड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ से सही पार्किंग है गेट के अंदर, सो कहीं डर नहीं था। बाकी अब यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ सीधा मनांग के लिए, और मनांग यहाँ से 1.5 घंटा का रास्ता है। थोड़ा सा साउंड चेंज हो गया ना, क्योंकि देखो भैया ये जो सीन है सामने, इसमें इसके अंदर ये छोटा सा वैली में मुझे रहना बहुत ठंडा लग गया था। जो भी हो इसलिए थोड़ा वॉइस चेंज है, एडजस्ट कर लेना। बाकी अभी रास्ता शायद ठीक ठाक होगा, शायद, मुझे पता नहीं है, आगे जाके पता चलेगा मुझे। तो बाकी यहाँ से मैं निकलूँगा, अभी कोल्ड स्टार्ट बाकी है, कोल्ड स्टार्ट करते हैं देखते बाइक का। गुड मॉर्निंग, बाय बाय। एक्चुअल में ये जो रोड है ना जो बेसी शहर से मनांग तक जाता है वो एक ट्रेकिंग रोड है। सो सारे फॉरेनर जो है वो ट्रैक पे निकल गया है सुबह सुबह, अभी शायद 8:30 से 9 बजा है, क्योंकि मेरे पास अभी वॉच नहीं है। और फ़ोन में मैं कुछ फ़ोटोज़ अपलोड लगा के रख के आया रूम पे। बाकी इस गेट के अंदर मेरा बाइक है, अच्छा गेट को मुझे साइड स्लाइड करना होगा। तो अभी करेंगे कोल्ड स्टार्ट। वाओ ये तो एक ही बार में स्टार्ट ले लिया भाई, सोचा नहीं था इतना ठंड में ये स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अपना बाइक को सही सही जगह लगा दिया, अभी बारी है सामान नीचे उतरने का, जो एक मेहनत का काम होता है एक ब्लॉगर का, एक राइडर का, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। जो भी हो सामान उतर के फिर सीधा सीधा बाइक पे लोड करूँगा और यहाँ से सीधा निकल जाऊँगा मनांग के लिए। ऐसे ब्यूटीफुल लोकेशन में टी इमांग के अंदर 100 रुपीज़ के रूम रेंट में रूम मिलता है। सो ये इन्फॉर्मेशन के लिए छोटा सा वीडियो बनाया था, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर भी करना सारे बाइकर दोस्तों के साथ जो मनांग के राइड कर रहा है। तो मुझे पता है हर बाइकर एक बजट में चलता है, सो एक बजट मैंने भी दे दिया 100 रुपीज़ रूम का। आगे वाला जो व्लॉग होगा वो टी इमांग से सीधा मनांग तक का होगा, कैसा रोड है, क्या कंडीशन है, सब कुछ आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। एडवेंचरस ब्लॉग मनांग का, इस जगह का नाम है टी इमांग और यहाँ पर मेरा बाइक पार्क था। सीधा सीधा ये बच्चा, प्यारा सा बच्चा यहाँ पर रुका था और बाइक को देख रहा था, और वो घर गया अपना हेलमेट लेके आया। बाइक चलाना है तुमको? हाँ।
यू वॉन्ट टू राइड दिस बाइक, जो भी हो इसको बाइक चलाने का मन है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। ये घर गया हेलमेट लेके आया बाइक चलाने के लिए। क्रेज देख रहे हो, सिर्फ हम लोगों का ही क्रेज नहीं, बच्चों बच्चों का भी बाइक चलाने का क्रेज है। फिलहाल तो ये चला भी नहीं सकेगा। सुबह सुबह इतना प्यारा सा सीन मिल गया, गोलू बोलू सा एक बच्चा मिल गया, और अपने को भी एक हार्ड राइड करना है यहाँ से मनांग तक। सीधा यहाँ से मनांग के लिए निकल जाएंगे बिना वक्त गवाए, रास्ते में बात करते हुए चलते हैं। सुबह सुबह इस ब्लॉग को शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव। बाय बाय। बहुत प्यारा है। ये मेरा बाइक के पीछे पीछे दौड़ रहा था। जो भी हो ये विलेज मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, टीमांग। सुबह सुबह ये होटल के सामने तक तो ठीक था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा चढ़ाई करना है। अभी ठीक से आँख खुला भी नहीं मेरा, अभी भी नींद में हूँ और ऑफरोडिंग करने चला आए। होटल से निकलते ही ऑफरोडिंग शुरू हो गया। क्या यार, थोड़ा अपना शरीर को गर्म होने का टाइम तो दे देते। चलो यार, ऐसा राइड हो रहा है कि मनांग याद रहेगा। और साइड जो सीन है भाई, मेरा राइड में जो सीन आ रहा है ना, क्या बताऊँ, बहुत ही लाजवाब। और साथ में ये ऑफ रोडिंग, हो इजी वे टू टू मनांग, और यू कैन गो अप हियर एंड गो अप द ट्रेल, यू सी वे अप दैट थिंग रोड कटिंग अप देयर, यस। Fun road, I did it on that way to Manang. Okay. High one, upper road to Manang. Achcha. Manang, it doesn't have upper lower like per se. Okay. But the upper road, it's a good fun. Good fun. Road. Off road, eh? I just came down this one. Okay. On the other side, from it's more flat, but you know, depends on how you want to go. You know, lazy or. Toughest, I prefer toughest road, off road trail, adventure. You prefer the adventure? Okay, well just stay on this until you see a sign that says Manang this way. Okay. Don't cross the little suspension bridge to the easy one. Okay, thank you, sir. Fun, brother. Okay. And Manang, you can go beyond Manang to one more little town. Okay. There's one more little town 20 minutes up the road. Okay. The end of the road, you should go there. Okay, thank you very much. Thank you for the information. ऐसे उन्होंने क्या बोला कि आधा बात मुझे समझ में नहीं आया भाई। जो भी हो, कुछ कुछ समझा कि आगे वाला जो रोड है वो थोड़ा एडवेंचरस है, अप्स एंड डाउन, ऑफ रोड ट्रेल होगा। तो दो रोड है, एक इजी होगा, एक ऑफ रोड होगा। तो देखते हैं आगे जाके सिचुएशन क्या आएगा, उस हिसाब से मैं रोड अपना चूज़ करूँगा। सो ठीक है, ऐसे दो रास्ता गया, एक ऊपर एक नीचे। मैं तो कंफ्यूज हो गया था, मनांग की साइड है तो यहाँ पर एक घर था, वहाँ पर पूछा मैंने, उन्होंने बोले कि मनांग नीचे है। बाकी ऐसे रोड ही मिल रहा है अभी तक, ऑफ रोडिंग शायद और बचा नहीं है। ऐसे छोटा मोटा पैच तो रहेगा ही, लेकिन जो एक्सट्रीम वाला पार्ट था ना, वो नहीं रहा अभी। ठीक, यहाँ से और भी 18 किलोमीटर मुझे
भगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं मनांग टच कर पाऊंगा। ओ भाई मेरा हाथ पैर सब दर्द हो गया। वाओ क्या खूबसूरत वैली है यार। मिल्क टी विद शुगर। ब्लैक टी मिल्क विद शुगर मिल्क टी विद शुगर। बाकी यहाँ पर जो सीटिंग एरिया है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। न्यू माउंट व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट, गुड फूड, क्लीन रूम। ऐसे पहाड़ में तो खाना महंगा होता है ये मुझे पता है, लेकिन ये सब जगह ना जो मनांग के आसपास आगे बेसी शहर के बाद जितने भी जगह मैंने चाय वाय पिया वो बहुत ही महंगा था। तो यहाँ पर मैंने एक चाय पिया और साथ में एक बिस्किट पैकेट लिया, फिर इसका कॉस्ट हुआ मुझे 260 रुपीज़ नेपाली, और मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करके 210 रुपीज़ दिया, 50 रुपीज़ डिस्काउंट भी हो गया। सो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो रेट होता है खाना का वो फॉरेनर के लिए होता है। एक्चुअल बाहर से जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस सब जगह से यूएसए से आता है, सो उनके लिए ये प्राइस होता है। इंडियन के लिए थोड़ा नेगोशिएट हो जाता है अगर आप रिक्वेस्ट करो तो। मैं अपना राइड को कंटिन्यू करूँगा यहाँ से मनांग के लिए। बाकी ये जो जगह है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं यहाँ पर 15 मिनट्स स्पेंड किया तो अच्छा लगा मुझे, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पर डिक्लाइन के साथ साथ रास्ता बहुत ख़राब है, सो अभी मैं लास्ट ऑफ रोडिंग पैचेस को कर रहा हूँ। आई होप कि इसके बाद ऑफरोडिंग पैचेस ना आए। हालत तो खराब हो रहा है भाई। पता नहीं क्यों बाइक लैग करना शुरू कर दिया। फ्यूल तो अभी एक्सट्रीम है, आधे से भी ज़्यादा फ्यूल है बाइक में, तो पावर लैग क्यों कर रहा है। ऐसे जगह जगह ना जंगल आ रहा है और उसके बाद ही ये ऑफ रोडिंग पैच वो बहुत ही खतरनाक हो रहा है, बहुत ही खतरनाक। अगर कैमरे में मैं आपको समझा पाता तो अच्छा होता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कैमरे में 1% भी नहीं आता है, 1% भी। इट्स टू मच डेंजरस रोड। ऐसे डिक्लाइन पे अगर रोड क्लियर होता तो कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि रोड के बीच में ना ऐसे पत्थर गिरा हुआ है, अगर ठीक वहाँ पर अपना चक्का फंसा ना तो स्किप करेगा सीधा उस साइड। बाकी ऐसे रोड क्लियर रहेगा तो इंक्लाइन डिक्लाइन में उतना मुश्किल होता नहीं है। हाइक के चक्कर में मेरा डिसबैलेंस हो गया था बाइक। बाकी मज़ा आ रहा है भाई इस जैसे लोकेशन में ये ऑफ रोडिंग करना, मज़ा है इसमें बहुत। और ये जो खतरनाक ऑफ रोडिंग ये मैं कर रहा हूँ सोलो। सोच रहे हो, मैं भी नहीं सोचा था कि अकेला मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन
सबसे टफेस्ट जो पैच था वो तो मैंने कवर कर लिया है सोलो। तो अगर आप मन से ठान लो कि आप ये करोगे, कर पाओगे, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो, लेकिन इतना रिस्क उठाना भी ठीक नहीं है। ये जो रोड है कुछ भी हो सकता है, इस रोड पे बाइक टूट सकता है, आप गिर सकते हो, उठाने के लिए भी लोग चाहिए, रास्ते में इतना लोग है नहीं। बस अभी तक मैंने जो देखा रोड पे जो ट्रैक करके आ रहे हैं ना फॉरेनर्स, सिर्फ वो लोग ही है रोड पे। ये एक्सट्रीम हो जाता है, ये टर्निंग पे इनक्लाइन थोड़ा रिस्की है। Oh my God. Whew. क्या हाइट है भाई पहाड़ का। कितना सुंदर लग रहा है ना आगे का ये व्यू। ये देखने के लिए तो मैं आया हूँ मनांग, और आपको दिखाने के लिए। तो अभी ट्रेकिंग का फुल सीजन है, सभी ग्रुप ग्रुप में आ रहे हैं ट्रेक करते हुए। और मैं चलो अपना बाइक लेके आ गया ये पैचेस कवर करने, ये ऑफ रोड कवर करने। दुनिया भर से लोग आ रहा है ट्रेक करने के लिए। एक्चुअल में क्यों ना हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और ये जो पार्ट है ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा। क्या क्लिफ हैंगर वाला पार्ट है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इसके नीचे से बहुत गहरा खाई है और यहाँ से पहाड़ को काट के ऐसा रोड बना दिया, और इस लोकेशन पे ट्रेक करना बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से, बहुत ही अच्छा। ये कैमरे में आप जितना देख रहे हो ना, अपनी खाली आंखों से इसका 100 गुना अच्छा देख पाओगे। अचानक से देखो ये व्यू ही बदल गया। ये एक सर्कल टाइप का है यहाँ पे, एकदम स्मूथली। ऐसा टाइप का पहाड़ मैंने इससे पहले देखा नहीं, ना हिमाचल में ना लद्दाख में। ये मुझे सबसे बढ़िया सीन लगा मनांग के रोड में। और तेज़ हवा चल रहा है, तेज़ हवा, ऊपर ग्लेशियर है, और देखो एकदम कोई ऊपर खबर नहीं है पहाड़ में, एकदम स्लिपरी। वाह, ये अलग ही व्यू है, क्या खेल है नेचर का। यहाँ से पूरा व्यू ही बदल गया मेरे भाई। थोड़ा सा अच्छा रोड मिला, अच्छा सीनिक ब्यूटी के साथ, और एक आया डेंजरस वाला पैचेस।
ओ भाई यहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल था, ये वाला बहुत ही मुश्किल था। अपना आगे वाला पहिया कितना उछला था देखे हो, ओ भाई पंगा हो जाता अभी। थैंक यू वेरी मच, थोड़ा सा जगह बचा था मुझे निकलने के लिए। ओ माई गॉड अभी कितना बाकी है। रास्ता तो और भी डेंजरस होते जा रहा है ऊपर में। ओ गॉड क्या माउंटेन है भाई, क्या हाइट है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाओ एक्चुअल में ये जो जगह है यहाँ पर बहुत भूलभुलैया है, चारों तरफ से रोड है, समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊं, मैप भी नहीं काम कर रहा है और रोड पे है नहीं कोई जिस मैं पूछूंगा, इंडिकेशन भी कुछ नहीं है, पूरा ऐसा वैली है जंगल का। सो इसके अंदर से चारों तरफ से ऐसे ऐसे रोड गया है, तो मैं अभी जा कहाँ रहा हूँ ये मुझे पता नहीं है, मनांका रोड है कि नहीं ये। इधर रोड वाओ, फो फो फो। आई होप कि मनांग इस साइड होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा गलती शायद किया, नहीं ठीक है निकल गया मैं। ओ हो हो ये लोग ट्रेकिंग करके जा रहे हैं यहाँ पे, सो शायद यही मनांग होगा, मनांग का रोड। लेकिन मजा आ रहा है भाई इस रोड पे चलाने में। वो ये क्या है, यहाँ पर पत्थर से कुछ बनाया गया है, ये कुछ मंदिर जैसा या जो भी हो, अच्छा लगा देख के। और ये जो रोड है इतना ऑफ रोड है नहीं जैसे कि मैं कवर करके आया, अच्छा रोड मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा। बाकी का जो व्यू है क्या बताऊं, आगे एक सस्पेंशन ब्रिज भी है जो शायद मुझे क्रॉस करना है उसको। वो क्या व्यू है यहाँ से, बाकी मजा आ रहा है बाइक से, ऐसे रोड पे अपना बाइक नहीं भगाया, ये एंजॉय नहीं किया तो कैसा राइड है भाई। उस ग्लेशियर को देखो यार, क्या है ये ग्लेशियर, देखो कितना ब्रॉड है, वाओ। ओहो ये चढ़ाई तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चलो ये नॉर्मल चढ़ाई है,
कितना कितना हाइट पे हुआ अभी? अभी हम हाँ अब हम ही अब इधर 3760 3760 और ये भैया भैया आपका नाम? सुभाष, नाइस टू मीट यू। मैं फ्लाई अपन स्काई मेरा चैनल है। ओके और माय नेम इज चंदन चंदन। तो इतना हाइट पे आके ना हम लोग बहुत थक गए भाई, बहुत थक गए। और ऊपर से क्या है, रोड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसा ऑफ रोड है उतना चढ़ाई है, उतना डिक्लाइन है, चढ़ाई उतराई सारे मिलके एक बहुत ही अच्छा एडवेंचर हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि रास्ता ख़त्म हो जाए तो अच्छा लगेगा। भैया बोल रहे थे कि यहाँ से और भी 45 मिनट लगेगा मनांग पहुँचने में। बाकी देखते हैं रोड कैसा है और एडवेंचर तो आगे होगा ही। और ये भाई साहब गाइड है, ये गाइड है, ये उनके साथ है। वो कहाँ से है? ये जर्मन से है। जर्मन से है। सो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सारे कंट्री से लोग आते हैं। और आप गाइड का कितना लेते हो आप? गाइड का पर डे हमारा वो फॉर सिंगल पर्सन एजेंसी देता है हमको। ओके, फॉर सिंगल पर्सन कितना लेते हैं आप? फॉर टूरिस्ट हाँ ओके, समार यूरोपियन कोई यूरोपियन होगा ना हाँ उसको लिटिल बिट ज्यादा देना पड़ता है हाँ, और एशियन को भी थोड़ा कम होता है। कम होता है ओके, आई डोंट नो हाउ मच दे हैव टू बी। ओके ठीक है, नाइस टू मीट यू। प्लीज आई विल अपलोड माय फुटेज आल्सो। ओके ओके डेफिनेटली, श्योर ब्रो, श्योर। फ्लाई ओपन द स्काई, फ्लाई ओपन द स्काई। थैंक यू सो मच। भाई ये कौन सा माउंटेन है? ये तो ये अन्नपूर्णा दो है, दो तो अन्नपूर्णा रीजन का ये सबसे अगला हिमालय। अच्छा, अन्नपूर्णा दो, अन्नपूर्णा एक, उधर से आप गंगापूर्णा भी देख सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी था। सो हम लोग अभी है अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया में। अन्नपूर्णा 1-2 और बाद में कौन सा? ये अन्नपूर्णा दो है, दो है, दो एंड उधर अन्नपूर्णा 3 एंड उसके बाद गंगापूर्णा। गंगापूर्णा ओके, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके ये मैं डालूंगा ये फोटेज। श्योर श्योर। ओके बाकी चलते हैं यहाँ से, और भी 45 मिनट का जर्नी है तो देखते हैं रूट कैसा है।